अब हम बात करेंगे तीसरे पेरेंटिंग व्यवहार के, अग्रेसिव पेरेंटिंग स्टाइल। ये आपको भी पता है, मुझको भी पता है, हम सबको पता है। क्या है ये? चीखना, चिल्लाना, मैंने भी किया है, डराना, धमकाना आदि कुछ उदाहरण है। कई सत्ता संघर्ष करना, अपने बच्चों पर गलत डरा दे रखने का आरोप लगाना, अपने बच्चों के विचारों को बदनाम करना, अपने बच्चों को चिढ़ाना, अपमानित करना, हम सब ने किया है, कभी करते हैं, गलती है लेकिन अपना सुधार करना है। कठोर दंड देना, कठोर शब्द इस्तेमाल करना, अब कठोर वाणी से बात करना, नियमों को सख्ती से लागू करना, बस यही हम चाहते हैं कि बच्चों में सख्ती रखें। अपेक्षाओं के बारे में जानकारी रखना या रोकना, आप अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार के लिए प्रशंसा नहीं करते बल्कि निंदा ज्यादा करते हैं। और इसका क्या परिणाम है? इसका परिणाम यह है कि जब बच्चे घर छोड़ के जाते हैं तब वो नहीं जानते कि क्या व्यवहार सही है और गलत है, और फिर वो भटक जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही तरीका सीखा है अपने घर से, वो है दूसरों को डरा के रखना। जो अग्रेसिव पेरेंटिंग है, अक्सर उनके बच्चे भी अग्रेसिव ही हो सकते हैं, क्योंकि यही उन्होंने माता पिता को से सीखा है कि दूसरों को डराना। आपके बच्चों के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है, क्योंकि वो सहानुभूति, अंडरस्टैंडिंग या एम्पैथी महसूस नहीं कर सकते हैं, जिससे वो सामान्य तौर पर दूसरों से बदला लेना चाहते हैं, और कोई भी समस्या होने पे वो माँ बाप के पास नहीं जाना चाहते हैं। इन परिवारों के बच्चे अक्सर अधिकतर विरोधी हो जाते हैं। जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, ये मैंने अपने प्रोफेशन में बहुत सारी फैमिलीज के साथ काम करते हुए सीखा है और समझा है। और जैसे मैंने कहा, किसी पे कोई जजमेंट नहीं है, मैंने खुद गलतियां करी और कर रही हूं और सीख रही हूं। मैंने भी अपने बच्चों पे खूब चीखी हूं, चिल्लाई हूं, लेकिन मैंने अपने आप में झांक के देखा कि क्या ये सही तरीका।